हेलो उस्ताद, जय जगन्नाथ। वेलकम टू अवर चैनल गधा मेथड। दुई दिन है जबरदस्त वीडियो चली एएसओ आमर ओजीएस रिड जाएस भी छाड़ दे प्रोबेबली ओएस रिलर डिमांड जे जो ओडिया पेपर रिट्रांसलेसन अच्छी इयर बाय छाड़ देवाई मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक रु पकया छाड़ी बैंकिंग एसएससी पिलाने पूरा नाराज से वीडियो भी रेडी धीरे धीरे से छाड़िया तो जेहेतु सीजीएल एग्जामिनेशन हबा को जाउछि ताकु देखि गिना वीडियो छाड़िया। चलंतु एबे स्टार्ट करिया आजर एडिटोरियल। हमर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हे जाइछि जो माने हमर ऑफलाइन बैचेस ओएस ओजेएस एसओ बैंकिंग एसएससी आ ओएसएससी रे जति को बैचेस अछि इंग्लिश पई जॉइन करिया को चाहौछंती तळे स्क्रॉल करतिबा नंबर रे कांटेक्ट कर परिबे। ताकु छाड़ी कि आमे जो डिस्कशन करूछे जबरदस्त फ्रूटफुल हबो सेटा ओएस एसओ आरआई रो प्लस एसआई रो चली वीकली तीन टा सेट डिस्कशन करुचे जो मैंने जॉइन कराया कथा तले स्क्रॉल कर नंबर में जॉइन करेंगे मुझे भावुची बोधे पूरा उड़ीसा रे कम प्राइस रे आम कर। नेक्स्ट स्टार्ट करिया फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी टाइट रोप वॉक सर बहुत मुश्किल हम चलियापी कंटार चलिया जोटा कहते रेनिंग मान दीटा वर्ड पचारे मुझे बारंबार गोटे कथ कह आरईजीएन आरईएन आईएन ए दुटा पचारे पिला आ मैंने कंट्रोल करिया मुद्रास्फीति इनफ्लेशन को कंट्रोल करिया एंड आरबीआई क्रेडिबिलिटी विश्वास भरोसा को जोटा कहते रिजर्व बैंक भरोसा को मध्य। द्वितीय कथा है जो मैंने ट्रांसलेसन करो क्लास करूँ ओजेएस पिला इवनिंग आवर एडिटोरियल ये अच्छे सेन्टेन्स छोटी बट तक अरेजमेंट करने काठीघर पार्ट हो जाए वर्ड गुड़ाक मन रु आसुनी कहते गोटे सीजेंड अच्छे से सीजेंड्र मानने समय नुहे से सीजेंड्र मानने परिपक्वता पची जावा जोटा तो कौ सेन्टेन्स कौन मिनिंग बाहर डेली प्राक्ट कले ही पसबुल तो सबुदिन ओडिया लांगुएज प्राक्ट करूँ। मोर सजेसन है ओडिया न्यूज पेपर समाज एडिटोरियल थे थे पढ़े डेली विकली तीन दिन हो बरू अध घंटे टाइम बाहर कर पढ़े मगणा मिलूँ नेट्रे मोबाइल पढ़ी पार तेनाली बहुत फायदा मन हम तीस मार्क ओएस पिला पचार आउ 25 मार्क ओजीएस पिला पचार बाकी जार ओडिया टू इंग्लिश इंग्लिश टू ओडिया पचार तो बहुत पिला फायदा हे। इनफ्लेशन मैंने कहली मुद्रास्फीति क्रेडिबिलिटी मैंने कहली विश्वसनीयता भरोसा योग्य ये है मुद्दा। आरबीआई सुड नॉट अंडरमाइन मैंने अनदेखा करने कथा नुहे तार निजार विश्वसनीयता को बाय डिलेइंग डिले कर मानने विलंब कर जो आक्शन नवा कथा कंट्रोल करने मुद्रास्फीति को कंट्रोल माने अख्तियार आई रेन रान निज अख्तियार आई आयत्तर आनी कंट्रोल बहुत लोग कंट्रोल मीनिंग भी लिखी पार ना मुझे फिल कर देखुचे बहुत पिला ओएस ओजेएस अच्छा वर्ष मुझे देखुची निजे। गवर्नर शक्तिकांत दास जो आम अच्छा ओडिया भाई आम स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट ओडिया बृति आकंपानिंग साथ आरबीआई रो लाटेस्ट पॉलिसी अच्छी सपोर्ट कर अनाउंसमेंट कर जे बृति जो दर्शाई जे द बाइंड बाध्य जोटा कहते द मॉनेटरी अथॉरिटीज फाइंड देमसेल्फ इन माने से कहते कि माने बाध्य आगे किसी ऑप्शन नथिला से माने चेष्टा कर सुधारिया स्थिति को फिर भी जी पटु हो पार से करेंगे। यही कथा मुझे कहती टेस्ट सीरीज बैच रे जॉइन करने ओएस आरआई और एएस रो बैच आम टेस्ट सीरीज चली बैच नंबर में कंटाक्ट करेंगे। ट्रांसलेशन बैचेस भी चली केवल ट्रांसलेशन बैच से नंबर में कंटाक्ट करेंगे आउ थे कहे ट्रांसलेशन केवल ऑनलाइन आउ बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन सब बैचेस चली। नेक्स्ट प्रोसीड करिया वाइल्ड सेंट्रल बैंक्स ग्रोथ जितेबले आम केंद्रीय बैंक रो ग्रोथ डेवलपमेंट सपोर्टिंग एक्शन मेंटेनिंग द बेंचमार्क तार पर्टिकुलर बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट आट ए डिकेड लो माने 10 वर्ष रु कम कंटेंट कर पूरा मेंटेन कर चलिए ताकि मार्केट को सपोर्ट मिलू एनच्युअलिंग एम्पल माने प्लेंटी ऑफ लिक्विडिटी एंड एन आकोमोडेटिव माने जगह दबो जे पॉलिसी स्टांस माने केमती कौन से पॉलिसी बनई पारे ताकि लोक मान सुविधा हम आर येट टू हेल्प एपर्यंत मदद करिया को अच्छी एनजेंडर माने बढ़ियापी द मीनिंगफुल रिकवरी केमती रिकवरी हो पार प्राइस हाइक इनफ्लेशन कंटिन्यू दिस क्वाइटिंगली होवर होवर अराउंड माने बुली बुली कि सही भद्र रोचर्य 6% माइनस अच्छी अपर ब्राउंड लेवल इट्स मैंडेड टारगेट एपर्यंत मानते निहाती रोच मैंने तथा एपे भी सी कंटिन्यू अच्छी इनफ्लेशन कारण आगे भी अथर से कथा लिखिं पूरा बैंकिंग पैसेज ये वर्ष 2016 ओजेएस पूरा इकोनोमिकल टर्म पचार ओएस पिला भी इकोनोमिकल टर्म पचार
ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ତମର ଜିଏସ୍ ପେପର ପାଇଁ ବି ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦାସ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଆର୍ବିଆଇର ପ୍ରି ଡିସେସମେଣ୍ଟ, ସାର୍ ପ୍ରିଡିସମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ମାନେ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟା ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍। ୱେନ୍ ହି ସେଡ୍, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବିଫୋର୍ ଅନ୍ସେଟ୍ ଦ ପାଣ୍ଡେମିକ, ପାଣ୍ଡେମିକ ମାନେ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ୱେଆର୍ ୱେଲ୍, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଡିକ୍ଲାର କରିବା ପାଇଁ। ହି ଗେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନିଡ୍ ଟୁ ବି କନ୍ସଲିଡେଟ୍, ସବୁଯାକ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେ ସେବେଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ରେଟ୍ର ମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସ୍ଥିରତା ରେଟ୍। ଫୋଷ୍ଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଫୋଷ୍ଟର, ଫୋଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ମିନିଂ, ଏଠି ଏନକରେଜ୍ ସେନ୍ସ ଲେଖିଛି, ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବ। ଅଫ୍ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଫାର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେମ୍ ୱାର୍କରକୁ ଚରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଗର୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଅଗର୍ସ, ଅଗର୍ସ ମାନେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ଶୋ ଅଫ୍ କରିବ, ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବ, ଭଲ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବ ଫର୍ ଦି ଆଙ୍କରିଂ ମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ପଲିସି ମେକର ମାନଙ୍କର। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, ଫିର୍ ବି ତ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛେ, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ପକେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥାଉ, ଲେଖି ଚାଲିଥାଉ, କାମରେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟର୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ସଡନ୍ଟି ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର, ଅନ୍ସଡନ୍ଟି ମାନେ ହେଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତତା କମେଇବା, କେମିତି ବଢ଼ିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍, କେମିତି ବଢ଼ିବ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଟା, ଥସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଚାଲିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଭାଇଟାଲ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ, ଏଇଟା ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତି ଟାର୍ଗେଟିଂ। ରେମିଟ୍ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବା, ରେମିଟ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ମିନିଂ, ଗୋଟେ ଦବା ନବା, ଗୋଟେ କ୍ୟାନସଲ କରିବା। ଦାଟ୍ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟ ହାଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍, ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦ ୱେକ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍, ଯେମିତି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ୍ ବଢ଼ିଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବ୍ରୁଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବ୍ରୁଟାଲ ମାନେ କ୍ରୁଏଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେଉଁ ପକେଇଛି, ନିଷ୍ଠୁର ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ୱାଇଲ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଇଟ୍ସ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଟୁ ୟୁଜିଂ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ପଲିସିସ୍, ଯେତିକ ପଲିସିସ୍ ଟୁଲ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, କେମିତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସ୍ଥିରତା ବନି ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିରତା ବନି ରହିବ, ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁରେବୁଲ ଇକୋନୋମିକାଲ ରାଇଭ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ରିଭାଇଭ ହେବ, ଆଉ ଥରେ ଇକୋନୋମି କେମିତି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଫେରିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋସିସ୍ କରିଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ କଥା ଉଠିଛି, ସେଟ୍ ସବୁଯାକ ମିନିଂ କହିଦେଉଛି, ସେଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଗିନ୍, ଏଇଟା ସେଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଗିନ୍, ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ କରିବା, ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ସେଟ୍ ଇନ୍ ମାନେ ବିଗିନ୍, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ କରିବା, ସେଟ୍ ଆ ମାନେ ଆଡଭେଞ୍ଚରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ କରିବା, ସେଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ସେଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ବି ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆର ସିନୋନିମ୍ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, ଓୟୁଟି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛି। ସେଟ୍ ଫୋର୍ଥ ମାନେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା, ୟା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ନଜର ଅଛି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ସୋର୍ସ କରୁଛି ଯେ କଙ୍ଗ୍ନିସାଣ୍ଟ, ସାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ କଙ୍ଗ୍ନିସାଣ୍ଟ, କଙ୍ଗ୍ନିସାଣ୍ଟ ମାନେ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଏଲିଟିଜ୍, ସେ ସୋ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ତଳ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଲିମିଟେସନ ରହିବା କଥା ପଲିସି ଅପସନ୍ ପାଖରେ, ପଲିସି ମେକର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ସ ରହିବା କଥା। ଆସଟିଂ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେଉଁ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ହାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିକଭର, ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭର ହେବାକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ୱିଥ୍ ଦ ଏବିଂ, ଏବିଂ ମାନେ କମିଆ। ଦେଖ ୱାର୍ଡ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରିଛି ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ୱାର୍ଡ, ଏବିଂ ମାନେ କମିଆ, କେମିତି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କମିଆ ସହିତ ଇକୋନୋମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରୁଛି। ଦ ଏମ୍ପୁସି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଇଜ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ, ଆଶା କରିଛି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରୁରାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉଟପୁଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ, ଭେରି ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ରେସାଇଲେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ରେଜିଲେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ରେଜିଲେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ସ୍ଥିର ସେନ୍ସରେ ସ୍ଥିର ହେବ ଆଣ୍ଡ କପଲ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏଠି କପଲ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ସେନ୍ସରେ ଲଗେଇଛି ବଢ଼େଇବ। ୱିଦିନ୍ ଦ ଅର୍ବନ କନଜମ୍ପସନ୍ ରିକଭରିଂ କେମିତି ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବି ରିବାଉଣ୍ଡ କରିବ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ତାପରେ ଆଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯେମିତି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍ ହେବ, ଡିମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ବତେଇଲି, ଆ ସଟନ୍ ମାନେ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା, ଏବିଂ ମାନେ ହେଲା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ରେଜିଲେଣ୍ଟ ମାନେ କହିଲି। ନେକ୍ସଟ, ହାଉ ଏଭର ଗିଭେନ୍ ଦାଟ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇଂ କଣ୍ଡିସନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଣଦେଖା କଣ୍ଡିସନ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିଲେ ଇଗ୍ନୋରେବୁଲ କଣ୍ଡିସନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ
करंट सिचुएशन इंडेक्स एवं जो अच्छी कंज्यूमर कॉन्फिडेंट रो इट्स ओन जुलाई सर्वे बता दीजिए एपर्यंत भी स्टॉक जो सही अच्छी नियर द ऑल टाइम लो पुल्ड इन मे जो मे थिला मे रे जोटा थिला सेटा एबे लगभग कंटिन्यू करुछ आरबीआई रिटेन करछि जेमती थिला सेमती फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग करछि एथरो जीडीपी जेमती 9.5% हबो जोटा इम्पॉसिबल देखा जाउछ क्वाड जीडीपी एते परसेंट बढ़ियो बट से माने नॉलेजेबल पर्सन दे नो हाउ टू नेक्स्ट द फैक्ट दैट इट हैज एट सेम टाइम लोअर क्वार्टर थ्री एटा क्यू थ्री माने क्वार्टर थ्री चार थर कम हुए क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर ग्रोथ प्रोजेक्शन जोटा थिला इट मेड जस्ट टू मंथ एगो दि मास पूर्व जो बनाई थिला द बिटवीन 0.9 to 0.5 to 0.9% बेली इज द अनसर्टेनिटी माने पड़ी रहिया इन दिस इट्स आउटलुक माने नजर रे पड़ी अछि द्वितीय कथा हला गोटे बेलीज रो आ गोटे फ्रेज भी तुमको पचारे बेलीज बिलीव आ माने ला गिव ए फॉल्स आइडिया बट एटि बिलीज बेलीज बिलीव नहीं एटि पड़ी रहिया सेंस से लखिछि नजर रखी आरबीआई कौन केमती मुद्रा कमती केमती आगे पचुक हो विथ द मनसून रेनफल डेफिसीट मान कम वन्स अगेन आउ थे वाइडेनिंग टू मिनस 4% मान माइनस 4% मैंने बुझ तो कमी जा कहते आज सुन आज जमी अगस्ट हम लाटेस्ट खरीफ सोईंग द एस्टिमेट रिविलिंग दर्शाऊँगी जो अलमोस्ट 23% सर्टफल हम जी हवा कथा वर्षा 23% कम हम कंपोजिट पीएमआई डाटा जोटा मुझे पीएमआई डाटा केमी काल्कुलेसन कर 10 वर्ष थे डाटा फॉर द जुलाई सोईंग द परसिस्टेंट कंट्राक्शन इन बिजनेस एक्टिविटी एंड कंट्राक्शन मैंने बुझ तो जोटा बिजनेस एक्टिविटी कमी जाइए एंड ए कंटिन्यूइंग जॉब लॉस जॉब लॉस लोक मानकर कमी चली इट्स हार्ड टू बट डिफिकल्ट टू सी आइदर गोटे नियर टर्म राइवल इन डिमांड आइदर डिमांड देखिया दोबारा स्थिति को फेर और अन ईजिंग ईजिंग मान रिलैक्सेशन इन इन्फ्लेशन जमी इन्फ्लेशन प्रेसर बढ़ी बढ़ी चली कौटी कौटी ना सीरीयल सीरीयल मैंने मुझे शस्य उपर आ एडिबल ऑयल उपर प्राइसेस उपर जमी बढ़ी बढ़ी चली लोक मैंने उम्मीद करते दीटा उपर कौन उपर गोटे कंट्रोल से मैंने जल्दी देखिए आडमिटिंग द प्राइस प्रेसर मुझ बारंबार कहे आम डेली बढ़ुचे बोली आम अभ्यास हो जाए डेली आम डेली डेली वार्ड मिनिंग बार कर दूचे जो मैंने डेली हिंदी ओडी ट्वेल्व पढ़ुंत से प्राक्ट रोचे जो मैंने जीवन में प्रथम थर पढ़ुंत जाए बैंकिंग एग्जाम से मैंने पैसेज पैसेज जब मिल छतु करके आसवे आडमिटिंग द प्राइस प्रेसर द आरबीआई हाज अल्सो मैंने प्राइस प्रेसर को आडमिट करी आरबीआई अल्सो रेज कर फिस्काल इयर इनफ्लेशन प्रोजेक्शन 30 बेसिस पॉइंट रेज कर 5.7% अच्छी अल्सो विथ वन द सिक्स मेम्बर मैं छः जन जो मॉनेटरी पॉलिसी मेम्बर रु जड़े कही डिसेंडिंग माने असंतोष प्रभाव प्रकाश करछि एंड वोट करछि अगेंस्ट द लैंग्वेज ऑफ अ पॉलिसी स्टांस जो पॉलिसी स्थिति उपरे से अगेंस्ट रे वोट करछि इट सीम्स क्लियर एटा पूरा स्पष्ट भाव रे देखा जाउ जे सेंट्रल बैंक मे सुनर बहुत जल्दी देन लेटर लेट न करी हैव टू बी बाइट द बुलेट जार माने हला कि अति डिफिकल्ट सिचुएशन रे बाध्य होइ किना कोनसी खराब काम करिया दैट द बाइट द बुलेट डिसाइड टू डू समथिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन आउ जमी नॉर्मल रेट के स्टार्टअप हम जदि जड़े चाहे टू अवॉइड द अंडरमाइनिंग इट्स ओन क्रेडिबिलिटी जदि निजर प्रशंसा या निजर विश्वास को जड़े जदि चाहे इग्नोर करने बाय डिलेइंग स्टेप एक्शन न नहींकना टू रेन कंट्रोल करी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति हार आरबीआई कह कथा जदि जड़े न चाह बाध्य आरबीआई तार काम कर दुटा वार्ड डिसेंटिंग गोटे वार्ड देखिए मुझे डिसेंटिंग से पढ़िली पढ़ी असंतुष्ट बट तार इंग्लीश वार्ड से ओभरप्राइज ये कल जार मान ला असंतुष्ट करिया एमपीसी मान कहली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आ गोटे कौन कहली ना यहाँ जो बाइट द बुलेट रान है कौन सी खराब स्थिति में पड़ी कौन सी आक्शन ना दैट्स द बाइट द बुलेट ये है कथा एवं मुदा हूँ बुलेट को कामुड़ा मैंने बुझ तो बुलेटा को कामुड़ा मैंने कौन खराब स्थिति में पड़ी बाध्य कौन काम आक्शन ना ये हूँ आज मुदा आज तुम सुंदर कार्टून बिल कौन ना दीटा कथा अबे संसद में चली पाखापाखि 3 सप्ताह है से मैंने काम कर दौना कोटि कोटि टंका लॉस गोटाए घंटा संसद पार्लियामेंटरी बॉडी काम कले 1.5 करोड़ रुपीज खर्च कर तेणु सी कहला कि कौन हम ना जो बिल बुलेट जो बिल कला जमी आम कहले पर्टिकुलाली जोटा आमर अच्छे जासूसी सिस्टम अच्छे किसान बिल अच्छे विरोधी दल पूरा उद्देश्य उठाऊँ तेणु एत स्थित खराब पहुंची पार्लियामेंट चलिया मुस्कुली बट आज पर डाटा गोटे ओबीसी पास हम से पर दिन एडिटोरियल आसीज प्राय
ओबीसी बिल गोटे पास हे जो थे ओबीसी लोक मान भल हम से विरोधी डिसाइड कर सपोर्ट कर बिल कल पास हे ये मुद्दा सेकेंड एडिटोरियल गोल्डन आर्म जोटा कहते नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय तार ऊपर दिया जाइए मेडल टैली एट द टोक्यो ओलंपिक इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन स्वर्ड देखेले जे सेल्फ बिलीव निजो ऊपर कॉन्फिडेंट एट ओलंपिक रिटर्न जीते रेकर्ड टैली बहुत मात्रा रे मेडल जीतिक आछंती रेकर्ड टैली माने इंडिया पई रेकर्ड गोटे छोटिया कंट्री गोटे दस लक्ष लोक तार जे जीती एक मेडल इंडिया गोटे देखुन कौन कह रेकर्ड माने इंडिया पई रेकर्ड निजो मन बुझाप माने माने निजो पेट पुरले सिना अलग साहय कर सब तो खाई बसिले कौन काम कर चल फेर से लबि चलो तू जीवन सी जीव तो भाई जीव से मो पुतरा जीव से लबि चलो चल इंडिया सचिन तेंदुलकर पुह 2017 अठर शह 75 एमती कला गोटे 300 मार्क माइल 300 स्कोर कला गोटे गुपचुप बॉलर पुह बट हि डिडंट गेट सिलेक्टेड बट कथा हूँ कि कुडंट सिलेक्टेड देन कथा हूँ कि एटी लबि भी चली बहुत स्पोर्ट्स पर्सन कौट मेडल आस इंडिया टुक ऑन द गोल्डन ग्लो आट टोक्यो देखा जाता जोटा सटरडे नीरज चोपड़ा जीति यार विषय टोटाल डिस्कसन करदा पूरा पाराग्राफ तारी उपर डिस्कसन होते कौन मेडल किए कौन जीति फेर देखा हम नेक्स्ट एपिसोड तब तक स्टे ब्लेस जय जगन्नाथ जय हिंद।